हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आईसी मॉस्फेट ट्रांजिस्टर वगैरह रखा हुआ है। तो जो हमारा सीआरटी टीवी होता है उसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर यूज होता है हॉरिजॉन्टल में और पावर सेक्शन में, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि जो हमारा ख़राब होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है, और जो हमारा नया लगाते हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अभी इस फील्ड में नए हैं, और नए मैकेनिक के लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, और पुराने मैकेनिक को ये सब कुछ पता होगा। तो चलिए, ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे इसका नंबर है 1803, और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल में यूज होता है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट में। तो गाइज, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये सभी ख़राब है, और यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, मैं आपको नंबर फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1803 नंबर का ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो हमारा हॉरिजॉन्टल में यूज होता है। तो गाइज, इसको चेक कैसे करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। यहाँ पे चारों ट्रांजिस्टर ये जो देख रहे हैं ये ख़राब है। तो सबसे पहले एक को मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक को लगा रहा हूँ बीच में, और इधर साइड में लगा रहा हूँ रेड को, तो 134 के आसपास यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है, 134। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पे नोट कीजिएगा 134 यहाँ पर भी रीडिंग है। फिर इधर चेक करते हैं तो इधर 134.35 उधर जो रीडिंग था वहीं इधर भी मिल रहा है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पर भी इतना ही रीडिंग है। फिर मैंने यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है। फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टिंग दिखा रहा होगा। भले यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है, बीप का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। और ये जो छोटा वाला देख रहा है ये भी 1803 ही है, यहाँ पर भी ये शॉर्ट है कुछ इस तरह का, यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ वैल्यू अलग था, यहाँ पर कुछ वैल्यू अलग है, वैल्यू आपको अंतर मिल सकता है, लेकिन ये ख़राब है। ये भी 1803 है जो हमारा छोटा वाला है। और यहाँ पर मैं आपको एक और लिया हूँ, तो यहाँ पर देखिए, इस पर मैंने लगाया 34 के आसपास रीडिंग मिल रहा है, पहले वाला में 134 था नोट कीजिएगा, और यहाँ पे मैंने प्रॉब को चेंज किया 34, मतलब आपका रीडिंग इधर उधर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए इधर 32 है, और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो इधर भी 32 है, और इधर आरी में हमारा शॉर्टिंग बता रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट है। और ये वाला सही है ट्रांजिस्टर जो हमारा 1803 है, तो इसको मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉब को लगाया तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है, और फिर मैं आपको प्रॉब को चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो प्रॉब को चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे आपको 362 के आसपास रीडिंग मिल रहा है, तो ये हमारा सही वाला ट्रांजिस्टर है, ये नोट कीजिए। तो 362 के आसपास यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है, और फिर आरी पे आपको 60 का रीडिंग मिलेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड का। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो वहीं रीडिंग है 60 के आसपास, और इधर देखिए 390 के आसपास है। और फिर मैं प्रॉब को चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग हमें नहीं मिलना चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिस्टर ये सही है। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर 1803 है, ये मेरा सही है। तो सही वाला ट्रांजिस्टर इस तरह का मतलब चेक होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो देख रहे हैं 2498 है, ये तोशिबा का, इसके पहले वाला जो 1803 था वो हमारा चाइनीज़ किट में ज़्यादातर यूज होता है, और ये जो है आपको LG में देखने को मिलेगा, LG किट में। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से 2 के आसपास यहाँ पे रीडिंग है। और फिर मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ, प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पे नोट कीजिए 1200-1300 के आसपास यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, यहाँ पर ये शॉर्टिंग है, और यहाँ पर भी मैंने चेंज किया तो ये शॉर्ट बता रहा है। ये शॉर्ट आपको नहीं बताना चाहिए, जो भी हमारा सही वाला होता है उसमें आपको कहीं भी शॉर्टिंग इस तरह का नहीं मिलना चाहिए, तो हमारा सही माना जाएगा। अगर आपको शॉर्ट मिल रहा है तो वो ख़राब है, ऐसे ही आप मान लीजिए। तो ये मेरा नया है सही वाला, 2498 ही है, तो इसका रीडिंग आप नोट कीजिए तो 4 से 20 के आसपास मिल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, और इधर चेक करते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है, और आरी में 4 से 30-35 के आसपास रीडिंग है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज करके देखा तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा 2498। ओके गाइज,
तो यहाँ पे जो है ये हमारा पावर सेक्शन में यूज होने वाला है, जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1802 है और एक है 5299। तो यहाँ पे दो है और एक है, उसका नंबर मिट गया है, पता नहीं कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे नंबर मिट गया है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस तरह का रीडिंग मिल रहा है, इधर बीप है, तो इसको ऐसे ही छाड़ दीजिए। जो हमारा बीप दे रहा है वो आपका शॉर्ट है, देख लीजिए ये पूरा बीप है, पूरा ये ख़राब है, इसका पूरा टर्मिनल पर बीप आ रहा है। और इधर देखिए ये भी बीप दे रहा है, तो ये भी ख़राब है। इधर भी देखिए ये, इधर भी बीप है, ऐसे ही ख़राब है, पूरा शॉर्ट है इसका। और इधर देखते हैं तो ये 92 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 100 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। फिर इधर देखते हैं ये बीप है, तो ये बीप मिल रहा है, मानिए शॉर्ट है। बीप का मतलब जो आपको आवाज़ दिखाई देगा तो आपका शॉर्ट है, ये पूरा शॉर्ट है। तो गाइज इसका जो सही वाला है, यहाँ पे देखिए 1802 है, तो इसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1802, तो यहाँ पे ब्लैक को प्रॉब लिया और इधर साइड में, तो 366 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया, तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग आपको नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। फिर इधर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया, तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है, जैसे मेरा डायोड दिखाता है वैसा ही यहाँ पे 1802 का है। और फिर साइड साइड में देखते हैं तो 400 के आसपास रीडिंग है। और फिर मैंने प्रॉब को चेंज किया, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। ये 1802 था जो पावर सेक्शन में यूज होता है, और 1803 था जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट में यूज होता है। और ये ज़्यादातर आपको चाइनीज़ किट में ही देखने को मिलता है, जो मैं यहाँ पे दिखाने का आपको कोशिश किया हूँ। तो ऐसे आप ख़राब और सही का पता लगा सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में। और यहाँ पे आपको बहुत सारा आईसी है, आईसी का वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, और भी बहुत चीज़ आपको मैं बताऊँगा धीरे धीरे करके। रिपेयरिंग से पहले मैं आपको यही नॉलेज देने का कोशिश करता हूँ कि कोई भी कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, सब कुछ आपको बारीकी से बताने का कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों पास शेयर करना, और इस तरह का वीडियो पाते रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और कुछ नया सीखना और समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।